नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश झगड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आपको अपनी डिवाइस मार्को डिवाइस कैसे सेटअप करना है। जब आप पीएम विश्वकर्मा योजना आवेदन करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपका डिवाइस नहीं जलता है, आपके कस्टमर का अंगूठा नहीं लगता है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे इसको सही करेंगे, वो आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आप आसानी से कैसे घर बैठे अपनी मार्को डिवाइस का सेटअप कर सकते हैं और इसके बाद कस्टमर के आवेदन कर सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना, वो पूरा सीखने वाले हैं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको कंप्यूटर पर ले चलूंगा, लेकिन पहले प्रॉब्लम क्या आएगी वो दिखा देते हैं, कैसे आपको बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं आपकी डिटेक्ट करता है वो सब देखते हैं, इसके बाद सोल्यूशन इसी वीडियो में सीख लेते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा में अपनी सेटिंग करने के लिए मार्को की सबसे पहले आप देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। तो इसके लिए पीएम विश्वकर्मा पर हम लॉगिन करेंगे, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करते समय प्रॉब्लम आती है। जब आप पीएम विश्वकर्मा में किसी कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है, पहले वो समझ लेते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको लॉगिन बटन का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके और सीएससी लॉगिन आपको ऊपर दिख रहा होगा, मतलब कि आपको पता है अगर सीएससी चलाते होंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। और ये देखिएगा नीचे थर्ड नंबर पर जो कस्टमर का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल का सीएससी आईडी पासवर्ड और कैफे डालकर साइन इन करना होगा, क्योंकि इसी के बाद आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चल पाएगी। जब आप साइन इन करेंगे तो तभी प्रॉब्लम पता चलेगी। साइन इन करेंगे तो अब आपसे रजिस्ट्रेशन मांगता है, तो आपको यहाँ पर पहले नो करना है, पूछ रहा है कि आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकारी नौकरी करता है, तो आपको नो पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर नो पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आपको कस्टमर का आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर और कैप्चा डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है रजिस्ट्रेशन करते समय। तो यहाँ पर ओटीपी तो आसानी से कस्टमर के पास पहुँच जाती है ना, ओटीपी उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पर पहुँच गई है, वो आप डालकर यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, जब आधार ऑथेंटिकेट आप कस्टमर का करेंगे ना, यहाँ पर देख सकते हैं, तो जब वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे तब आपका डिवाइस या तो काम नहीं करेगा या ऊपर एक पॉपअप आता रहता है लोकल होस्ट प्रॉब्लम का, ये दोनों प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपकी डिवाइस जलेगी नहीं, आपका कुल मिलाकर यहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं लेगा। तो इसी को आज हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। यहाँ पर वेरीफाई पर बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे, एक बार करें दो बार क्लिक, बट प्रॉब्लम आपको लगातार ही आती रहेगी, ना बायोमेट्रिक डिवाइस आपकी जलेगी और ना ही कस्टमर का आप अंगूठा लगवा पाएंगे। हो सकता है आपको जब इस पर क्लिक करें ना, ऊपर लोकल होस्ट की भी प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी देखने को मिला है हम मेरे में दोस्तों, लोकल होस्ट की भी प्रॉब्लम आ रही, देखिए ये है ना। तो इसको भी हम दोनों चीज़ों को, बायोमेट्रिक काम भी नहीं कर रही और लोकल होस्ट की प्रॉब्लम, दोनों को सॉर्ट आउट करेंगे। कुल मिलाकर पीएम विश्वकर्मा योजना में आपको बायोमेट्रिक डिवाइस सेटिंग पूरा करके दिखाने वाले हैं। तो ये तो अभी हमने प्रॉब्लम की बात कर ली है कि प्रॉब्लम क्या क्या आती है पीएम विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन करते समय तो कस्टमर का, तो अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सर्च बॉक्स में जाना है, कंट्रोल पैनल खोल लेना अपना, है ना, सर्च बॉक्स में लिखना है कंट्रोल पैनल, तो खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ प्रोग्राम में जाना है और अनइंस्टॉल आप प्रोग्राम पर क्लिक करना है। तो आपके मार्को के जो भी ड्राइवर हैं पहले से, उन्हें अनइंस्टॉल करना है। देखिएगा मेरे में दो ड्राइवर मार्को के हैं, एक मार्को आरडी सर्विस और एक मार्को स्मार्ट यूएसबी, इन दोनों पर राइट क्लिक करके एक एक करके, है ना, पहले आप आरडी सर्विस को अनइंस्टॉल कर लें। तो देखिएगा मैंने अनइंस्टॉल पर क्लिक किया, यस किया, तो ये अनइंस्टॉलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है, मेरा डिवाइस ये एक अनइंस्टॉल हो गया। अब सेकेंड वाले को भी अनइंस्टॉल कर लेना है, इस पर राइट क्लिक करना, अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक करना है, तो सेकेंड वाला भी मेरा अनइंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से देखिएगा दोनों ड्राइवर गायब हो गए। अब क्या करना है, हमें डिस पीसी में जाना है और इसके बाद सी ड्राइव में अपने जाना है, विंडो सी में, और यहाँ पर आपको मार्को सॉफ्ट का एक फोल्डर मिलेगा, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देना है, है ना। अब ये फोल्डर दोस्तों रिसाइकल बिन में चला गया होगा, तो अपने रिसाइकल बिन कंप्यूटर को ओपन करना है, उससे भी सारा रिसाइकल बिन को आपको एम्प्टी कर देना है, मतलब खाली कर देना है ना। तो यहाँ पर क्लिक करके ये मैंने देखिएगा खाली कर दिया, यस पर क्लिक करके। अब हमारे पुराने जो ड्राइवर इंस्टॉल थे उन्हें हमने हटा दिया है अपने कंप्यूटर से, अब हमें फिर से इन्हीं ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। इसके लिए मार्को आईडी सर्विस की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर उसकी वेबसाइट ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा पूरा डैशबोर्ड आरडी सर्विस का खुल जाएगा, मार्को का, है ना। तो अब इसे हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना है, तो वहाँ पर देखिए ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और मार्को L0 और L1, अब दो प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही हैं। तो आपकी डिवाइस कौन सी है ये कैसे आपको पता चलेगा, आपको कौन सा इनमें से ड्राइवर इंस्टॉल करना है ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर देखिएगा
नीचे मार्फो वालों ने एक दे रखा डिफरेंस बिटवीन L0 एंड L1 डिवाइसेज। इस पर आप क्लिक करके ये पता कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस कौन है, फिर उसी अकॉर्डिंग आप अपना ड्राइवर इंस्टॉल करिएगा। तो यहाँ पर देखिए दो फोटो सबसे नीचे दी गई, तो L0 वाली ऐसी डिवाइस दिखेगी और नीचे देखिए येलो कलर से E2 या E3 यहाँ पर लिखा होगा L0 वाले में, और जो L1 डिवाइस है वो बगल में छपी हुई है उसमें देखिए RD L1 नीचे लिखा होगा और ऊपर भी कुछ लिखा होगा। तो इससे तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, पता कर सकते हो कि आपकी डिवाइस L0 कैटेगरी की है या L1 कैटेगरी की, किस कैटेगरी की है, तो वो पता करना है। या आप डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से चेक वैलिडिटी पर क्लिक करके भी पता कर सकते हैं आपकी डिवाइस कौन सी है L0 L1। जब आप ये पता कर लेंगे कि हमारी डिवाइस L0 है L1, तो फिर से आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है और जो भी डिवाइस हो उस पर क्लिक करना है। L0 है जैसे मेरी, अब मुझे यहाँ पर मार्फो L1 RD लोकल होस्ट ये वाला ड्राइवर मुझे इंस्टॉल करना है, इस पर क्लिक करना है। तो हमारे में लोकल होस्ट वाला ये ड्राइवर इंस्टॉल होना मतलब डाउनलोड होना स्टार हो चुका है, ये डाउनलोड हो गया। अब मुझे पहले से एक्सट्रैक्ट कर लेना है, है ना, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करके हमें इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर आएगा, अब हमें इसको ओपन करना है। मार्फो का ड्राइवर हमारा डाउनलोड हो चुका है, इसे ऊपर वाले को एप्लीकेशन पे लिखा है इस पर राइट क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना है, फिर से इंस्टॉल करना है। दोस्तों अभी हमने अनइंस्टॉल किया, हटाए थे सारे, अब फिर से इसे इंस्टॉल करना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके। तो हमारा मार्फो का जो ड्राइवर मैंने हटाया था पहले वो फिर से इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, है ना, ये देखिए इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है और इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों आप भी आप मत सोचे कि हमारा काम करने लगेगा, अभी एक बहुत बड़ा झमेला है उसे भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, देखिए हमारा मार्फो का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। ये बोला कंप्यूटर रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक बार रिस्टार्ट जरूर करें दोस्तों कंप्यूटर, मैंने रिस्टार्ट किया, फिर से आना है आपको ड्राइव सी में और इसमें मार्फो सॉफ्ट में जाकर के कॉन्फिग का ऑप्शन मिलता है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा एक कम्युनिकेशन मोड मिलता है, यहाँ पर जीरो होगा दोस्तों पीएमजी दिशा में, दोस्तों इसे मोड वन करना पड़े, सॉरी पीएमजी दिशा कह रहा हूँ मैं, पीएम विश्वकर्मा में कम्युनिकेशन मोड वन करके सेव करना है तभी वर्क करेगा। तो कम्युनिकेशन मोड वन कर लिया लेकिन अभी भी मत जाइएगा, अब आपको सर्विसेस खोलना है, सर्च बॉक्स में सर्विसेस लिखना है, सर्विसेज वाले ऑप्शन को ओके करना है और नीचे आना है। आपको देखना है कि मार्फो को जो ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं ये देखिएगा दोनों हमारे नीचे पड़े हुए हैं, मार्फो एक ड्राइवर एक USB, इन पर क्लिक करके इन्हें इंस्टॉल स्टार्ट करना है। देखिएगा स्टार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इसे रिस्टार्ट करना है, तो रिस्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से ड्राइवर रिस्टार्ट हो जाएंगे आपके कंप्यूटर में जब आपने कम्युनिकेशन वन कर दिया है ना, कम्युनिकेशन मोड। तो ये अभी रिस्टार्ट हो रहा है, देखिएगा है ना, हो रहा है रिस्टार्ट, ये देखिएगा। और इसका सेकेंड वाला भी रिस्टार्ट करना, भी एक हमने किया ये सेकेंड नीचे पड़ा, इसको भी रिस्टार्ट पर क्लिक करके रिस्टार्ट कर देना है। अब हमारी सेटिंग दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें फिर से विश्वकर्मा योजना पर ही लॉगिन करना है। अब बायोमेट्रिक अपनी चेक करनी है, क्या हमारी काम कर रही है। तो देखिए मैं फिर से वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करूंगा और कस्टमर का अंगूठा, अब आपकी डिवाइस लगी होनी चाहिए, डिवाइस आपकी जलने लगेगी और आपको अपने कंप्यूटर का मतलब कि अपने कस्टमर का डेटा है, देखिए खुल गया, डिवाइस मेरी लगी थी, मेरे कस्टमर का अंगूठा भी लग गया और काम भी करने लगी डिवाइस। तो इस प्रकार से आप इसे काम करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखना आप देखा आपने पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने आसानी से आप अपना बायोमेट्रिक डिवाइस सेटअप कर पाते हैं और इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं यही फॉलो करिएगा, आप भी पीएम विश्वकर्मा योजना में अपनी मार्फो डिवाइस का सेटअप कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर